नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चल पे। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे राजव्यवस्था के बारे में। जैसा आप सभी को पता होगा कि अभी एक ऐसी महामारी फैली है जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं मिला है, और उम्मीद करता हूं कि जब तक इसका इलाज नहीं मिलता है तब तक आप लोग घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों राजव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहने के लिए तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब भी यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो हमारे लिए समस्याएँ खड़ी कर देते हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि लॉकडाउन चल रहा है, कम से कम आप 2 से 3 सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे। देखिए लोग पढ़ रहे हैं लगातार, और आप उनसे उतने ही पीछे हो जाएंगे जितना आप आराम करेंगे। अभी बेसिकली कोई काम भी नहीं है, कहीं आना जाना भी नहीं है, तो कुछ पढ़िएगा, नई नई किताबें पढ़िएगा, उनसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और प्रयास कीजिएगा वैसे सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने का जो आपको अपेक्षाकृत कठिन लगते हैं, या यूँ कह देते हैं ये हमारे सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे, उन्हें पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कीजिएगा। क्योंकि वैकेंसी है नहीं तो कोई दबाव नहीं है, आसानी से आप अभी आप समझ सकते हैं। और जब वैकेंसी आ जाती है तब आप आपाधापी में पढ़ने लगते हैं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आपके माइंड से सारी चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। तो ये वक्त है, उस चीज़ को भुनाइएगा। जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है कि काम कम है उनके लिए, अभी घर पे भी किसी का आना जाना नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर अपनी ध्यान दें। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं राजव्यवस्था के बारे में। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स देखेंगे, आने वाले भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे VEO आने वाला है, सुपर टेट आने वाला है, ठीक है, UPSI आने वाला है, लेखपाल आने वाला है, उन सारे एग्ज़ाम्स में देखना तो राजव्यवस्था से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि राज्य व्यवस्था के प्रश्न जो होते हैं वो सरल आते हैं, लेकिन सरल वो तभी होंगे जब आपने पढ़ा होगा, और इन प्रश्नों में गलत होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। इन प्रश्नों को आप थोड़ी बहुत बुद्धि के साथ अगर पढ़ेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे, बशर्ते इन्हें पढ़ना होगा आपको। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला यहाँ से। अभी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य व्यवस्था से कितने प्रश्न आते हैं। जब मैं इतिहास की बात कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी परीक्षा में 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्नों में से तकरीबन आपके 15 प्रश्न केवल और केवल इतिहास सेक्शन से आते हैं। और राज्य व्यवस्था की बात करें तो आप ये मान सकते हैं उन 100 प्रश्नों में कम से कम 8 से 10 प्रश्न आपकी राज्य व्यवस्था से आते हैं। और इस राज्य व्यवस्था में भी आपके मूल अधिकार, संसद, राज के नीति निर्देशक तत्व, ये जो चैप्टर होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर इन 3 चैप्टरों का भी मूलभूत ज्ञान है आपको, तो आप मान सकते हैं कि संविधान के जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से 50 से 60% वाला जो पोर्शन होगा वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बस इन 3 चैप्टरों पर अगर आपकी कमांड है। लेकिन ये जो हमारी सीरीज़ होगी राज्य व्यवस्था की, ये शुरुआत से बिल्कुल अंत तक जाएगी। राज्य व्यवस्था क्या है वहाँ से लेके जितने भी 395 अनुच्छेद हैं वहाँ तक जाएंगे। बेसिकली कहीं कहीं अभी आधुनिक में 450 के आसपास अनुच्छेद हैं, वो क्या है हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि अपने यहाँ ज्योग्राफी की सीरीज अलग चल रही है जिसमें विश्व के महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दूसरी सीरीज हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है इतिहास के ऊपर, और ये तीसरी सीरीज है जो हम लोग बात करेंगे राज्य व्यवस्था के बारे में। ये लगातार सीरीज चलती रहेंगी, और उनकी अगली सीरीज विज्ञान के ऊपर, और उसके बाद अगली सीरीज आपकी करंट अफेयर्स या समसामयिकी के ऊपर लाई जाए। इतनी सारी चीज़ें अगर आप लगातार करते रहते हैं, हमारा साथ देते रहते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाली कोई भी परीक्षा आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होने वाली। आप आसानी से उसमें अच्छा खासा स्कोर करेंगे, बस आप क्या करेंगे, हमारा साथ देंगे, हमारे साथ चलते रहेंगे, जो मैं कहूँ वो आप करते रहिएगा, ठीक। आगे चलने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि पढ़ने का सही तरीका क्या हो। तो दोस्तों मैंने बहुत ही ज़्यादा लोगों को देखा है, अक्सर मेरी भी बात कर लो तो मैंने भी कभी कभी ऐसा किया है कि मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता हूँ और अचानक मेरे अंदर एक ललक जागृत हो जाती है कि आज तो मैं रात भर पढ़ूंगा, और संभवतः उस रात को मैं पढ़ता भी हूँ, सुबह तक पढ़ता हूँ और फिर पूरे दिन सोता हूँ। ऐसा 1-2 दिन तो चल जाता है, लेकिन ये जो मोटिवेशनल वीडियोस से आपके अंदर जो मोटिवेशन की भावना आती है, आप जो मोटिवेट हुए हो वो सिर्फ 1 या 2 दिन, उसके पश्चात आप क्या हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, 1-2 दिन पढ़ा फिर बंद कर दिया,
फिर 7-8 दिन कोई भी किताब वगैरह हमने नहीं छुई, बिल्कुल देखी भी नहीं। हमारी किताब कहाँ है, किसी कॉर्नर में धूल खा रही है, मुझे मतलब नहीं। और फिर 5-6 दिन बाद या तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लेते हैं जिसने हाल अभी जल्द ही सरकारी नौकरी पाई है, या फिर से कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, तो फिर से 2 दिन पढ़ लेते हैं। अब ये दिक्कत क्या हुआ, जो आप जिगजैग वाला सिद्धांत अपनाते हो, जिगजैग का सिद्धांत क्या होता है कि अभी तो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, फिर शांत, फिर ऊपर, फिर शांत, फिर ऊपर, फिर शांत। ये जो आप जिगजैग वाला सिद्धांत अपनाते हो तो ये आपकी ज़िंदगी में भी जिगजैग तूफान ला देगा। हमें भले ही 2 घंटे पढ़ो, भले ही 3 घंटे पढ़ो, भले ही 1 घंटे पढ़ो, लेकिन निरंतर के साथ पढ़ो। निरंतरता होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। साइकोलॉजी में पढ़ाया भी जाता है अभ्यास का नियम। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे अनपढ़ हैं जिन्होंने अभ्यास करते करते आज एक अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, उनका खुद का गराज है। फ़र्क क्या है, अभ्यास। आप भी अभ्यास करिएगा दोस्तों। एक नियम होता है जिसके बारे में मैं आपके सामने एक बात करूंगा, जिसका नाम होता है 1000 का नियम, रूल ऑफ 1000। ये जो नियम है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इस नियम के माध्यम से ये प्रतिपादित होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को 1000 घंटे देते हैं तो वो चीज़ आपकी हो जाती है। दुनिया में किसी भी कार्य के लिए अगर आप 1000 घंटे जी जान से लग जाते हैं तो वो चीज़ आपकी है। मान लीजिएगा 2 से 3 महीने बाद कोई भी परीक्षा है, अगर आपकी सुपर टेट की है तो वो मान लीजिएगा, अगर आपकी UPSI है तो वो मान लीजिएगा, अगर आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है तो वो मान लीजिएगा, अगर आप किसी भी कोई भी परीक्षा हो उसे मान लीजिएगा, और मान लीजिएगा कि अभी उसमें 3 से 4 महीने का वक्त है, तो इस नियम को अप्लाई कैसे करें। तो 1000 घंटे उसके लिए आपको देने हैं, और माना आपने कि आपके पास तकरीबन 100 दिन हैं, तो ये 100 दिन में पर डे अगर आप इसमें विभाजित करोगे इन 100 दिन से, तो आपके पर डे के कितने घंटे निकलते हैं, 10 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि 100 दिन अगर आप 10 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि 1000 घंटे पढ़ने के पश्चात आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आप 100% सफल होंगे, ये गारंटी है मेरी। लेकिन डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है कि अक्कड़ बक्कड़ करके किताब खोली और कहा कि आज मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, दूसरे दिन कहा आज हम राजव्यवस्था पढ़ेंगे, तीसरे दिन कहा आज हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, चौथे दिन भारत की नदियां पढ़ने लग गए, और 5वें दिन पता चला बायोलॉजी पे आ गए। इससे तो सब सत्यानाश हो जाएगा। एक एक चीज़ करके पढ़िए। अगर आप 10 घंटे नियमित अध्ययन करते हैं, डेडिकेशन के साथ अध्ययन करते हैं, तो आप देखिएगा कि आप कितने ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, कितनी सारी चीज़ें आपको मौजबानी याद हो जाती हैं। ठीक है, चलिए ये था थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ यहाँ से और आप याद रख लीजिएगा कि जब भी कोई चीज़ आप पढ़ें तो उसको लिखना ना भूलें, क्योंकि लिखकर पढ़ना ही क्या है, पढ़ना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आप वीडियोज़ यूट्यूब पर ऐसी देख लेते हो, छोड़ देते हो, उससे कुछ होने वाला नहीं, आपने टाइम बर्बाद कर लिया। 2-4 मिनट आपने जो देखा वो भी टाइम बर्बाद कर लिया, उससे अच्छा आप कोई गाना सुन लेते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, सीरियसली देखना चाहते हैं, तो आपके हाथ में एक पेन और एक कॉपी होना चाहिए। इससे आपका दिमाग तैयार होता है कि अब आप पढ़ने की अवस्था में आने वाले हैं, और जब आप आनंद के लिए पढ़ते हैं तो आप कुछ भी देखते रहिएगा, वो आपके दिमाग में नहीं बसता। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उन्मुख करते हैं संविधान की तरफ। संविधान है क्या? संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के उस आधारभूत ढांचे का निर्माण करता है जिससे उस देश की जनता शासित होती है। एक यह परिभाषा हमने देखी। दूसरी परिभाषा के बारे में बात करें तो क्या होगा कि संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि है। किसी भी देश में अगर कोई भी कानून का निर्धारण होगा, कोई भी कानून बनेगा, तो मान लीजिएगा वो कहीं ना कहीं संविधान से ही ओतप्रोत होगा, उससे ही प्रेरित होगा। किसी भी देश में कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो संविधान से ऊपर होए। हर एक देश में संविधान क्या है, सर्वोच्च है, क्योंकि उसकी सर्वोच्चता का सबसे प्रमुख कारण है उसकी जो शक्ति है, संविधान की जो शक्ति है वो उस देश की जनता से मिलती है। और आपको पता होगा किसी भी देश में जनता क्या होती है, सर्वोच्च होती है। जैसे भारत के संदर्भ में जब आप संविधान पढ़ते हो, उस देश की
उस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है हम भारत के लोग, यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, उस देश की जनता है, भारत के संदर्भ में भारत की जनता है। तो हमने परिभाषाएं देखी कि एक देखी कि उस देश की जनता शासित होती है, दूसरी देखी सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। संविधान एक पुस्तक ना होकर नीति नियमों, कानूनों, शक्तियों एवं उत्तरदायित्व का एकमात्र क्या है, स्रोत है। ठीक, तीसरी परिभाषा होगी। आगे की तरफ अगर हम लोग देखें, संविधान के माध्यम से ही यह निर्धारित होता है कि उस देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे, क्या क्या कार्य होंगे, ये स्पष्ट विभाजित होता है ताकि उन तीनों के मध्य में किसी प्रकार के टकराव की स्थिति न उत्पन्न हो। ठीक, भारत के संदर्भ में बात करें या संविधान के बारे में और बात करें तो संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। और भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। बेसिकली ये विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान भी है। क्यों? क्योंकि इस विस्तृत संविधान में राज्यों और केंद्र के बारे में सारे के सारे प्रावधान जो हैं वो विस्तृत तरीके से लिखे गए हैं, इसलिए ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा राज्य और केंद्र की तरफ भी चलें तो देखें राज्य और केंद्र क्या है। तो राज्य क्या है? जिसकी एक निश्चित सीमा हो, निश्चित खान पान हो, एक रहन सहन हो, निश्चित भाषा हो, उसे राज्य कहते हैं। और केंद्र क्या है? केंद्र एक अमूर्त अवधारणा है जो राज्यों के मध्य समायोजन करने का कार्य करती है। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग मान लें कि भारत में ये राज्य ना होते और संपूर्ण भारत सिर्फ एक राज्य होता तो क्या क्या समस्याएं हो सकती थी, तो उस देश में शासन करना कितना मुश्किल हो जाता, भारत में शासन करना कितना मुश्किल हो जाता, एक राज्य होता। कैसे हम लोग फैसला लेते, यानी कि हम लोग कह सकते थे दिल्ली में बैठे बैठे सारे फैसले नहीं लिए जा सकते थे, इसीलिए भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। और उन राज्यों में विवाद की स्थिति ना हो, वो केवल अपने हित के बारे में ना सोचें, राष्ट्र के बारे में भी सोचें, इसलिए उनमें उनके ऊपर उन राज्यों के ऊपर एक और बॉडी बनाई गई जिसे केंद्र कहा गया। जैसे एक परिवार में मान लो 10 भाई हैं, उन 10 भाइयों के मध्य समायोजन करने का कार्य पिता करता है, उसी प्रकार भारत में जितने राज्य हैं उनके मध्य समायोजन करने का कार्य केंद्र करता है। अब बात आती है कि मान लो राज्य और राज्य के मध्य विवाद की स्थिति हो तब क्या होगा, तो केंद्र इस मामले को सुलझा सकता है। और 2 से अधिक मामलों के मध्य में ये विवाद हो तब क्या होगा, तो केंद्र सुलझा सकता है। लेकिन वो राज्य सुलझने के लिए तैयार ना हो तब क्या होगा, कि मान सकते हैं केंद्र में जो सरकार हो उसी पार्टी की सरकार कहाँ पे हो, राज्य में हो, तो केंद्र सुझाव नहीं देगा क्योंकि वो अपनी पार्टी की तरफ लेगा, तो कैसे फिर वहाँ पे राज्य कैसे अपने आप के राज्य के अस्तित्व के सामने खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि जहाँ पे 2 शक्तियाँ होंगी, क्योंकि राज्यों और केंद्रों के मध्य में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, कुछ जो शक्तियाँ थी वो केंद्र के हाथ में दे दी और कुछ शक्तियाँ जो थी वो राज्य के हाथों में दे दी। बेसिकली केंद्र के हाथों में ज़्यादा मजबूत शक्तियाँ दी गई राज्य की तुलना में। अब हम लोग बात कर रहे थे विवाद की स्थिति में क्या होगा, तो एक राज्य से अधिक राज्यों के मध्य में विवाद हो, 2 राज्यों के मध्य विवाद हो, 2 राज्यों से अधिक के मध्य में विवाद हो, राज्यों और केंद्रों के मध्य में विवाद हो, तब क्या हो, तब कहा गया कि हमें एक तीसरी ऐसी बॉडी चाहिए, एक स्वतंत्र बॉडी चाहिए जो इन विवादों का निपटारा कर सके। 2 शक्तियों के मध्य में विवाद हो रहा है तो हमें कोई तीसरी शक्ति चाहिए, यहीं से एक सिद्धांत निकल के आता है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। क्या निकल के आया? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। इसी के तहत आपकी सुप्रीम कोर्ट की रचना की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि राज्यों राज्यों के मध्य में विवाद हो, केंद्र राज्य के मध्य में विवाद हो, तो इसे सुलझाने का कार्य कौन करेगा? कोर्ट करेगा, क्योंकि ये भी तीसरी बड़ी शक्ति है। जब 2 शक्तियां आपस में लड़ रही हैं तो इसको सुलझाने का कार्य कोई तीसरी शक्ति ही कर सकती है। ठीक है दोस्तों, एक था एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें हमने देखी। बेसिकली मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान के हर एक भाग को, हर एक अनुच्छेद को, हर एक अनुसूची को हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी और
और जितने भी संविधान संशोधन है वो भी पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपके मस्तिष्क में संविधान की एक रूपरेखा खींचने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं संविधान के अंग। तो संविधान के तीन अंग माने जाते हैं, बेसिकली चतुर्थ स्तंभ की बात की जाती है लेकिन हम लोग तीन अंग मानते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये प्रमुख है, हमें इनका अध्ययन करना है। पहला जो अंग है आपका वो है विधायिका, यानी कि कानून का निर्माण करना। अभी मैं आपको बता चुका था कि केंद्र भी एक शक्ति है, राज्य भी एक शक्ति है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। जो संघ सूची के विषय होंगे उसमें केंद्र कानून बनाएगा, और जो राज्य सूची के विषय होंगे उसमें कौन कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा, ठीक है। और कुछ समवर्ती सूची में भी रख दिए जाते हैं, उस पर किसका कानून बनाने का अधिकार है, दोनों का है। लेकिन अगर दोनों बनाते हैं, केंद्र राज्य दोनों बनाते हैं एक ही सब्जेक्ट पे, तो केंद्र का वहां पे सर्वाधिक मान्य होगा। विधायिका को दो भागों में बांटते हैं, संसद। संसद से प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग हैं, तो कहते हैं तीन। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन फिलहाल अभी हम दो देख रहे हैं यहां पे, कौन कौन से? एक हमारा लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक। इधर की बात करते हैं तो राज्य जब कानून बनाएगा उसे बोलेंगे राज्य विधान मंडल। इसके भी दो पार्ट हैं, कौन कौन से? एक विधानसभा और एक विधान परिषद। बेसिकली आप सभी को पता होगा केवल सात राज्यों में ही विधान परिषद विद्यमान है। उन सात राज्यों में से एक राज्य अपने यहां से विधान परिषद हटाना चाहता है, ऐसा उसने प्रस्ताव भी पारित किया है। वो राज्य कौन सा है या मुझे बताइए, और किन किन राज्यों में ये विधान परिषद विद्यमान है वो भी आप हमें बताइए, ठीक। तो हमने देखा केंद्र के यहां कानून बनाने के लिए दो बॉडीज, कौन कौन सी? लोकसभा और राज्यसभा, यहां पे विधानसभा और विधान परिषद, ठीक। संविधान के अंग में पहला, अब दूसरा हम लोग संविधान का अंग देखें तो है कार्यपालिका। कह सकते हैं कि जो कानून बनाया उसका निगमन कौन कराएगा, उसका पालन कौन कराएगा, तो हम लोग कह देते हैं वो कार्यपालिका कराएगी। इस कार्यपालिका के भी दो पार्ट हैं, पहला पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक, जिसके तहत आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, ठीक। दूसरे की बात करें तो उसमें आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स, ठीक। इसके तहत आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, ठीक है, जो डीएम वगैरह है, वो भी क्या करते हैं, कानून का क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। आगे की तरफ हम तीसरे अंग की बात करें तो यहां पर जो तीसरा अंग है उसे हम लोग नाम देते हैं न्यायपालिका। समझिएगा दोस्तों, यहां पे कानून का निर्माण हो रहा है, यहां पे कानून का क्रियान्वयन हो रहा है, और यहां पे आगे क्या हो रही है, कानून की रक्षा हो रही है, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं प्रोटेक्ट ऑफ द लॉ। अभी आप पहले देख भी चुके हो किस प्रकार से शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। तो भारत के संदर्भ में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, इसके तहत सबसे ऊंचा जो है उसे बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और इसके बाद आपका राज्य के संदर्भ में बात करोगे तो आपका उच्च न्यायालय, और जब जिला संदर्भ में बात करोगे तो जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, ठीक। ये सारे हैं संविधान के अंग। एक चतुर्थ स्तंभ भी है जिसे मीडिया कहते हैं, हमने यहां उसकी चर्चा नहीं की, आने वाले दिनों में करेंगे। तो दोस्तों, इस पहले वीडियो के माध्यम से हमने एक आपके अंदर भारतीय संविधान की रूपरेखा खींचने का प्रयत्न किया है, और आने वाले दिनों की जो क्लासेस होंगी उसमें ये वाला पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे समझ चुके तो आने वाले दिनों की क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा।